लोग मी
सर भागवत जी के ऊपर से हम यहाँ पर सब सम्मत हुए हैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा प्रिय अध्यापक है प्यारे बच्चों और उनके माता पिता को मैं नमस्कार करता हूँ और उनको कुछ वाक्य या कुछ शब्द बोलने के लिए बोला नहीं है तो मैं उसके लिए अगर कुछ चीज़ें हो तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी के रूपा से हम लोग उनका आह्वान नाम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 प्रभु का जन्मदिवस है तो उनका लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और अच्छे चरण में बनो ताकि प्रभु का हमारी आवाज पहुँच पाए। घर में हम लोग बहुत चलाते हैं मुझे अभी प्रभु का नाम लेने पर फिर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे धन्यवाद आपका। हम लोग भगवद गीता के बारे में सुन रहे हैं और ठाकुर जी ने भगवद गीता ठाकुर जी को हमसे उत्पन्न हुए हैं और महाभारत के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था और उनके युद्ध के लिए प्रेरित किया था। जब अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध करने से पहले ये कह रहे थे कि मेरे भाई हैं ये मेरे चाचा जगह है ये मेरे चाचा ताई के छोटे हैं वो दूसरे चाचा हैं मैं उनका हट कैसे करूँगा। तो ठाकुर जी ने उनके मंत्रित करके उनके अपने भाई से ये बताया कि आप कर्म करें और ठाकुर से प्रभु के ऊपर छोड़ दें। साथ ही में प्रभु ने अपने दर्शन कराए उनको अपना कुटुब भूमि दिखाया अपना विराट रूप का दर्शन कराया और उनके मन की सभी श्रद्धाओं की पूर्ति की। हम भी अपने जीवन में बहुत घबरा जाते हैं टेंशन में आ जाते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा लेकिन हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इस भगवद गीता के एक बुक के अंदर थोड़ा सा थोड़ा विस्तार से होता है। हमारे मन में कभी भी कोई शंका है तो एक बार भारतीय भगवद गीता में ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में जीवन की सच्चाई ये है कि हम लोग एक शरीर है और ये शरीर हमारा ही नहीं है और जो आत्मा है वो प्रभु की हुई है तो हमारा क्या है। तो प्रभु ने यही अर्जुन को बताया अगर हम इसको वास्तविक जीवन में रिलेट करते हैं अगर हम सूर्य में देखते हैं तो प्रभु ने सूर्य के लिए भी जैसे अर्जुन को मार्गदर्शन दिया तो सूर्य का भी कर्तव्य है कि सूर्य सिर्फ अपने पैरों को ध्यान दे मार्ग अच्छे रहेंगे रहेंगे जब हम मेहनत करेंगे अपने कर्म पर ध्यान दे कर्म अपने पूरे के पूरे रूप से करेंगे हैं और कर्म अच्छे करने हैं। बाकी कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं तो उसके बाद में कोई फल नहीं मिलता है हमें लगता है कि हमें फल नहीं मिल रहा है हमारी जिंदगी खराब है और उसको भी फल अच्छा मिल रहा है उनको सत्ता मिल रही है मेहनत भी करता है उसका खेत पैसा है लोगों को कमाना है तो साथ में तो काम भी नहीं करता है। तो ये हमारे पिछले कर्म में कर्मों का फल है जो अपने हमें भुगतना है लेकिन प्रभा एक न्यायाधीश की तरह हमारे कर्मों का फल हमारे कर्मों में फल हमारे कर्मों के हिसाब से होता है इसे हमें सिर्फ ठाकुर जी की अध्यात्म से लेंगे और हमें जैसे भगवत गीता में आज हमें अपना जीवन को समाप्त करने के लिए
अपने कवि को और गुरुमत को जब इस उम्र के मार्गदर्शन थे उनके सामने भी दिया तो हमें भी कहते हैं अपने जीवन के अंदर ठाकुर जी का स्मरण करके कल पर उनका थैंक्स लेकर के हमें अपने कर्म को करना है। साथ में मैं जितने भी सब लोग आए हैं उनका खुशी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका कुछ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे एक बार आवाज मेरे जीवन की जन्माष्टमी का पर्व है तो एक बार ये छोटे से रिक्वेस्ट करने पर मैंने घर क्या बोला था उनको बोला नहीं जाता हाथ ऊपर करके एक बार ठाकुर जी का नाम लिए भगवान हमारी बात को सुनो हाथ ऊपर करने के लिए दोनों अच्छे से ठाकुर जी का जन्म सुनाए ठाकुर आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि को बनाए। जो इन संकटों के अंत में जो है कभी संसार में
Thank you.
के मट के झंडे के मारे हैं तू आज जोड़ा तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम अटके मटके झंड के मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम चाहे तुम निकले या तुम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम छोड़ी।